नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। पूरी दुनिया में इस समय लोकतंत्र पर ज़बरदस्त संकट छाया हुआ है। इंसानी गरिमा पर हमला हो रहा है और यह हमला दिनों दिन बहुत बर्बर होता जा रहा है। अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने सीनेट पर हमला किया, वहाँ पर जो चुनावी नतीजों पर मुहर लग रही थी उस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, उससे एक बात बहुत साफ है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति के नेता हैं वे किसी भी देश में हों, वे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं और एक तरह से भीड़ तंत्र को लोकतंत्र पर हावी करने की मंशा उनकी जग जाहिर होती रहती है। वहीं भारत में लोकतंत्र पे संकट तो गहराया हुआ है ही, दूसरी तरफ महिलाओं पर बर्बर बलात्कार और हत्या का दौर चल रहा है और इस मामले में योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश तो लगता है सारी सीमाएं पार करने पर उतारू है। जिस तरह से बदायूं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मंदिर में पुजारी और बाकी लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, बर्बर नृशंस हत्या की और यह मान के चला कि उनका कुछ नहीं होगा, उससे कम से कम एक बात दोबारा साबित हुई कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए और हमारे और आपके तमाम भारतीय नागरिकों के लिए रेपिस्तान में तब्दील हो रहा है। एक तरफ जहां लोकतंत्र पे हमलावर सत्ता है, उसके पक्ष में उतरे लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए अलग अलग ताकतें भी सामने आ रही हैं। इसका उदाहरण हमें अमेरिका में भी देखने को मिला और कनाडा में भी देखने को मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन का किसानों की मांग के समर्थन में आना और इसे एक बुनियादी हक के तौर पर स्वीकार करना लोकतांत्रिक आवाजों की जीत के रूप में देखा जा सकता है। ये वही किसान हैं जिन्होंने देश की राजधानी को 26-27 नवंबर से घेर रखा है। चारों बॉर्डर्स पे वो लोग बैठे हुए हैं और एक ही मांग है उनकी कि कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पारित किए हैं, जिन्हें वे अपने लिए मौत का वारंट मानते हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। हमने देखा लगातार जिस तरह से किसानों का संघर्ष चल रहा है, इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। एक तरफ समर्थन है, समर्थन में उतरे हुए लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो वार्ता दर वार्ता करने के बावजूद एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में हम पहुँचे हरियाणा पलवल में, जहाँ पर हमने बात की उन किसानों से जो पंजाब और हरियाणा से तो नहीं हैं, लेकिन वे आए हैं बहुत दूर से, वे आए हैं महाराष्ट्र से, वे आए हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और इसमें बड़े संख्या में महिलाएं हैं जो भीषण सर्दी और बारिश को झेलते हुए बिल्कुल पतले से टेंट के नीचे डटी हुई हैं और ये महिलाएं खुलकर बता रही हैं मोदी सरकार के तमाम झूठों को शब्दशः बेनकाब कर रही हैं। आइए सुनते हैं इन तमाम महिला नेताओं को। मेरा नाम निर्मला है, मैं इंदौर ज़िले से आई हूँ। किसान भाइयों को रोडों पे पटक रखे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, पानी गिर रहा है, पानी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब तक मोदी जी सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से किसान भाई नहीं उठेंगे और चाहे जो मजबूरी हो यहीं रहेंगे और यहीं पड़े हैं, उनको मांगे तो मंजूर करना पड़ेगा। हो सकता तो उनको सोचना चाहिए कि अपन ने इतना बड़ा देश का काम लिया हाथ में, तो सब किसानों की बात और सबकी मांग मंजूर करना चाहिए। मजदूर भी परेशान हो रहे, किसान भी परेशान हो रहे। कैसा मोदी जी आपने राज किया जो इस राज्य में सबको परेशानी आ रही और दिक्कतें खड़ी हो रही है। मुआवजे के नाम पे किसानों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए और बेला फुसला के खातों पर डाल दिए, उसके बाद में किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान। पहला नोटबंदी का करा, अब नोटबंदी के बाद में कोरोना, कोरोना के बाद में अब
किसान का जो मुआवजा है वो नहीं मिला, फसल है उजड़ गई, किसानों को पूरा पूरा दाम नहीं मिल रहा। मंडी जो कानून बने थे, मंडी कानून सब खराब बनाए, मंडी कानून काला कानून बना दिया, तीनों कानून वापस ले ले। आलू का फसल वो कोल्ड स्टोर में तो रखवा देते हैं, पर लेकिन जब महंगी बेचते वो तो व्यापारियों का हो जाते है, और किसान लोगों का वही 10 रुपये में ले लेते हैं। जब व्यापारी का हो जाते वो 30 रुपये 40 रुपये किलो बेचते है। हम ये चाहते हैं हमारा जो किसानों का जो सब्जी वगैरह होते हैं उसको उचित दाम में लिया जाएगा, हम उचित दाम में बेचना चाहते हैं। किसानों का इतना शोषण कर रहे हैं, हम ये शोषण के लिए मोदी जी से बोल रहे हैं ये तीनों काला कानून आप वापस लो। अगर वापस, जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। कितना भी मौसम खराब हो, कितना भी बारिश हो, हम बारिश में भींगते रहेंगे फिर भी हम घर जाने वाले नहीं है। हमारी पूरी फुल फैमिली आई हुई है, हमारे अंकल जी है फिरोजाबाद से, हमारे 150 आदमी आए हुए हैं यूपी से, हम लोग पूरा संघर्ष करके जाएंगे। जब तक ये नहीं हमारा बात मानेंगे हम तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। मैं गजेंद्र सिंह परियार, भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष आगरा जी। अभी उत्तर प्रदेश में किसान ज्यादा नहीं आ रहे, योगी जी का काफी डर है, वो काफी जुर्माना वुर्माना लगा रहे हैं, फिर कैसे यूपी के किसान? ऐसा नहीं है कि योगी जी का कोई डर से किसान नहीं आ रहा है, किसान पूरा गाजीपुर बॉर्डर पे जा चुका है और किसान पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। हमारे राष्ट्र प्रवक्ता जो राकेश टिकैत जी है, जो निर्देश यूपी के किसान को करेंगे उसका पालन किसान करेंगे। तो आपको लगता है कि यूपी का किसान साथ में है पंजाब हरियाणा में? बिल्कुल, कंधे से कंधा लगा करके साथ में है, हर लड़ाई में साथ रहेगा किसान, और सबसे आगे यूपी का किसान रहेगा। लेकिन यहाँ तो सरकार का दबाव बहुत है ना, काफी डरा रहे हैं। अब ये तो सरकार है जी, सरकार पे पूरे व्यवस्था है, सारे संसाधन है, सरकार तो अपना दबाव बनाएगी अपनी बचाने के लिए। फिर किसान कैसे लड़ाई लड़ेगा एक महीने से? किसान पे क्या है लड़ाई लड़ने के लिए, हथियार तो है नहीं, यही अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करता है किसान, तो अपनी मांग पत्र के आधार पर अपना मांग पत्र दे रखा है। भाई देश के प्रधानमंत्री जी आए दिन रोज देखते हैं हम कि अपने मन की बात करते हैं, आज लाखों किसान दिल्ली के चौतरफा बैठा हुआ है और अपने मन की बात कहने के लिए आया है। क्या मोदी जी ही अपने मन की बात कह सकते हैं? किसान अपने मन की बात नहीं कह सकता है? तो ये जितना भी किसान इकट्ठे हुए हैं अपने मन की बात कहने के लिए आए हैं, इनकी मन की बात है। जो कानून बनाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, इनको वापस लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं होंगे, कितनी भी आंधी तूफान बरसात हो, किसान डटा रहेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तमाम जोड़ तोड़ करके, वहां से आए किसान बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से किसानों के हाल बेहाल हैं, और जिन कानूनों को मोदी सरकार और भाजपा के मंत्री किसानों के लिए और खेती के लिए बहुत फलदायी बता रहे हैं, इसकी किस तरह से सीधे सीधे मार मध्य प्रदेश के किसानों को झेलनी पड़ रही है। आइए सुनते हैं किस तरह से वे आगे की लड़ाई तैयार कर रहे हैं। ये जो बरसात है किसानों के लिए वरदान है, इस बरसात से आंदोलन को और ताकत मिलेगी, क्योंकि वर्षा होने के कारण किसानों के सिंचाई की सुविधा मिल गई और किसान अब 15 दिन 20 दिन के लिए आंदोलन के लिए और अपने घरों काम से मुक्त हो गया। लेकिन बारिश में ठंड में बैठना भी तो किसान आदि है, किसान भारी बरसात में खरीफ की फसल पैदा करता है, कड़कड़ाती ठंड में किसान अपने खेतों में पानी चलाता है, और यही तो आंदोलन है जिसमें किसानों की परीक्षा हो रही है, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन जहां पे किसानों को अपने खेत अपना रोटी, अपनी जमीन, अपना देश, अपना तिरंगा बचाने के लिए लड़ रहा है, तो इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी मोटी कुर्बानियां तो किसानों को देना पड़ेंगी। मध्य प्रदेश से यहाँ पर 150 के आसपास अखिल भारतीय किसान सभा के लोग हैं, बुंदेलखंड के संगठन के लोग हैं, कुछ लोग मजदूर किसान संगठन कक्का जी वाले हैं। मध्य प्रदेश में स्वराज की जो सरकार है और कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, तो इनका भी अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है, और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने तय किया कि हर संभागीय मुख्यालय पे इन्हीं मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाए, और ग्वालियर में इसकी शुरुआत हो गई है, भोपाल में भी इसकी शुरुआत हो रही है, प्रदेश के हर जिलों में इनका विरोध किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजीव दीक्षित नाम है, मध्य प्रदेश से आए हैं, चंबल क्षेत्र से।
चंबल से हैं? चंबल से आए, भिंड से। भिंड से? भिंड। अच्छा, भिंड से आए हैं। भिंड से आए हैं। तो वहाँ किसान विरोध में है? पूरा किसान विरोध में। आपने तो अभी शिवराज जी को दोबारा बैठा दिया, तो शिवराज जी नहीं सुन रहे? शिवराज जी को काउने ना बैठा दो, 35-35 करोड़ रुपया 70-70 करोड़ रुपया दे के बिना विधायक ये बिकाऊ जो विधायक ये जो बिके है, ये बिकाऊ जो लाए हैं वे लोग है के बिके हैं, बैठाओ बिना बिना नहीं है। ये भी सुन नहीं रहे, ये भी सुन नहीं रहे, वो न सुन रहे। जैसे सत्ता के काज फिरते हैं ये जाके, वैसे नेतन को तो विरोध है भैया, हमें हमारा हक दे दो, हमें या देश के नेतन पे विश्वास नहीं है। ताज़ा हम सब किसान इकट्ठे हैं और हम जी कह रहे हैं कि हमारे विरोध में जो कानून तुमने बनाए तेने अपने वापस ले लो, वो हम जो मांग रहे हैं हमारा MSP गारंटी कानून हमें दे दो बनाए के, ताज़ा हमारी लूट जो तुम जो करवा रहे हो ते हमारी लूट नहीं हुई, जो रेट तुमने घोषित करिए बनाइए था रेट पे हमारी फसल हमारी बिके। एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं किसान समझ नहीं पा रहे, मोदी जी बार बार कहते हैं आप लोग 26 नवंबर से हैं यहाँ, किसान दिल्ली जो पहुँचे हैं 26 नवंबर से पहुँचे हैं, तब से वो एक ही बात कह रहे हैं मोदी जी मन की बात में कि किसान को समझ नहीं आ रहा, उसको बहका दिया है, उसे समझ नहीं आ रहा ये खेती के फायदे की है। अबे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई ना, हम मध्य प्रदेश में, अबे जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बिना कानून जो लेके आए वे कह रहे किसान समझ नहीं पाए, भाई बात तो हम बता रहे 70-70 लाख रुपया करोड़ों रुपया लेके कंपनी और ये व्यापारी भज रहे हैं एग्रीमेंट करके किसान की फसल खरीद के, तो जे कानून तो आंखें के सामू अंधो बताए देगो बेरू बताए देगो कि जो हमारी लूट है रही है और हमारी ले लेके रुपया भज रहे है। अबे जी हालो फिर आगे का होगा, जे तुमने कानून बनाए अब बताओ हमें बहकाएगो को, हमारी सामू तो लूट है रही है, पार्टियां आपको भड़का रही है, वो हमें यार पार्टी जो भड़काए रही है तो बे हमें काहे नहीं आएगा भड़काए दे, बेऊ तो पार्टी है ये बीजेपी पार्टी नो बेऊ तो पार्टी है ना, बे आएगा भड़काए दे ना हमें, हमें काहे नहीं भड़काए पाए रहे भैया, बिन के मंत्री जो जा रहे हैं चौपाले गांव में लगाए रहे हैं ते हम लोग इनके बीच में ना जा रहे, अपनो तामझाम प्रशासन को बिन को व्यवस्था होते मां पहुंचा था, बिन के जो कचु जो रसे का चाट में वाले कार्यकर्ता है बिन के बीच में जाके अपने मीटिंग करते हैं और आगे है कल यो गाड़ी बिन के मंत्री के बड़ी चली जाती है, हम लोगों के बीच में कहना है आए ना बात करें, हम यहाँ जो पढ़े हैं आए हैं बिन के को आएगा मंत्री हम लोगों से बात करें, गांव में आ जाए गांव में आके बात करें। आइए मिलते हैं महाराष्ट्र के दो किसानों से, बारिश को झेलते हुए भीगते हुए अपने को बचाने के लिए यह बैठे ट्रैक्टर ट्रॉली में, ये आए हैं महाराष्ट्र से और इनके पास लंबा किसान आंदोलन का इतिहास है, जब जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर पहुँचे तब तब ये 80 और 90 साल के बुज़ुर्ग दिल्ली तक आए हैं और हौसला देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी उम्र पर मत जाइए, हमारे हौसले देखिए, और हमारा अनुभव इन नौजवान किसानों के साथ, इन नौजवान भारतीयों के साथ लगा हुआ है, वे अपनी अपनी कहानी किसान आंदोलन की जो मजबूती है वे सब बताने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और उनका कहना है वे जिंदा तभी वापस जाएंगे जब मोदी सरकार उनकी सुनेगी, और उन्हें पूरा भरोसा है कि कितनी भी अड़ियल मोदी सरकार क्यों ना हो, देश के अन्नदाता से टकराना उसके लिए शायद यह अलग ढंग का अनुभव होगा। मेरा नाम है जवाहर अर। कितनी उम्र है? 81 साल। मेरा नाम तेजपाल उर्फ मट्ठर, औरंगाबाद, उम्र 90 साल, सकरा से 90 में लग जाऊंगा। पहली बार आप लोग दिल्ली आए ऐसे? जी दिल्ली कितनी हमने आंदोलन करे, कितने हमारे ऊपर बंसीलाल ने लेवी लगाई है, जब हमने वोट कलपता हूँ करो, हम तो क्या लगता है मोदी सरकार सुनेगी? हाँ जी मोदी सरकार सुनेगी, सुनेगी सुनेगी, यू सुना रहे की माँ सुने जो बैठी है। एक बात बताऊ, मोदी सरकार है तो मानने पड़ेंगे ये कानून, बिल्कुल मानने पड़ेंगे, और मना किसान जो है मोदी से बिगड़ चुके हो। कब से यहाँ पर हैं हम?
इससे जब से चाल धरना हुए जब से। कितने लोग आए हैं औरंगाबाद से? अजी कोई आजाद 300-400 आदमी रोजी लोग और ज्यादा ही आ रहे हैं। और ज्यादा ही औरंगाबाद मित्रों से हजारों लोग आ रहे हैं, ज्यादा ही आ रहे हैं। और रोड पास का काम सब आ रहे हैं, 3600 बरादरी आ रही है। किसान की कोई जाति नहीं हो। ये बताइए कि इतना दिन हो गया लेकिन सरकार काहे नहीं सुन रही है? सरकार काहे की सुने की पूंजीपति इनकी है, सुना देंगे अब ना तो 4 साल के सुना देंगे। जो तक धरना रहेगा जो तक काले कानून नहीं लेगा वापस। लेकिन इतनी ठंड हो रही है, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको तो बहुत परेशानी हो रही होगी ना यहाँ? ना कोई परेशानी ना, सब जो जो भीजे कोमरी जो जो भारी हो जो जो पर्याप्त जो जो सहसरी अब ऊपर से तिरपाल फटको पानी में भीज के बैठ के कोई मुसीबत अपने धर्म के नहीं है, कर्म के नहीं है। लोकतंत्र, जनतंत्र, देश का संविधान, देश के नागरिक ही तय करेंगे कि देश का स्वरूप कैसा रहेगा। जो चौतरफा हमला है देश पर, देश की संप्रभुता पर, उसे बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए देश के अन्य राज्यों से जो किसान आए हुए हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। और इस दरमियान, इस बीच उन पर अलग अलग ढंग से हमले भी तीखे हुए हैं, लेकिन इतने दिनों की मजबूती में किसानों ने कम से कम अपना पक्ष पूरे देश को सुनाने में कामयाबी हासिल की है और उनके साथ एक अच्छा खासा हिस्सा जुटा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम सिर्फ देश के अन्नदाता ही नहीं, देश की संप्रभुता, देश की खेती, देश को जो कॉरपोरेटकरण किया जा रहा है उससे किस तरह से देश को बचाया जा सकता है, आपको और हमें बचाया जा सकता है, इस पर फिक्रमंद हों। शुक्रिया।